जगजीत जी अगर इस तरह के गाने गाते तो मन बदनाम हुए तेरे लिए शिला भी जवान हुई मेरे लिए मन बदनाम हुई तेरे लिए शिला भी जवान हुई मेरे लिए। शुक्रिया। ये जो मुन्नी है बचपन से ही बड़ी गुन्नी थी, सारे मोहल्ले को पता था ये मोहल्ले का नाम रोशन करेगी। एक बार मुन्नी के लिए जोरदार तालियां। अच्छा, हर एक सिंगर का अपना एक स्टाइल होता है। जैसे एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब हैं, वो जब गाते हैं तो उनको देख के लगता है कि यार बड़ा स्पा में बैठे हुए हैं, मसाज करवा रहे हैं और उनके पांव दबाए जा रहे हैं, वहां पे गाना गा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अजय शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तो किस बात की है लड़ाई। हे हे, यहां से तू चल मैं आई, हे हे तू चल मैं चाहूंगा एसपी साहब के लिए जोरदार तालियां, बड़े हमारे इंडस्ट्री के लेजेंड हैं। गुलाम अली साहब का गजल गाने में कोई सानी नहीं है, लेकिन जब गजल गाते हैं बड़ा मजा आता है, लेकिन जब बीच में नॉर्मल बातें करते हैं ना, वो नहीं समझ आती। अंदाज अपने देखते हैं, अंदाज अपने देखते हैं, आईने में वो और ये भी देखते हैं, कोई देखता ना हो। जब नॉर्मल बातें करते हैं, ये गजल एक मैंने जहाज में बड़ा कंपेरिजन किया है, इसके कंपेरिजन मैंने जहाज की करते तो मैं गजल बजा सकते हैं। ऐसे दिल किया सुनाने को। सोनू निगम इतने प्यारे सिंगर हैं, शक्ल से भी प्यारे हैं, कपड़ों से भी प्यारे हैं, पेमेंट से भी तो काफ़ी प्यारे हैं। अच्छा, उनकी आवाज़ इतनी सॉफ्ट है, जब भी वो गाते हैं तो उनके गाने में एक कुदरती मेलोडी आ जाती है, चाहे वो गाना मेलोडी वाला हो भी ना। सपोज नभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। इनके गाने को सुन के देखिए, ये लगता है कि ये कुछ ना सॉफ्टी खाते खाते गा रहे हैं। इनको मतलब आप कोई भी बीट सॉन्ग दे दो, उसको भी रोमांटिक बना सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल, अजीत ठाकुर साहब, कभी आप बुलाते नहीं मुझे अपने शो में, लेकिन टैलेंटेड बहुत हूं मैं। अगर सोनू निगम साहब ऐसा गाना बोले, कहती पू पू मेरा, कहती चू चू मेरा, कहती पू पू मेरा पू पू। हरिहरन साहब बहुत बड़े सिंगर हैं, हरिहरन साहब को किसी ने पंजाब पुलिस के फंक्शन में बुला लिया और तो हरिहरन साहब हमेशा लुक चेंज करते हैं, 3 महीने बाद क्वार्टरली उनका होता है। उन्होंने चोटी रखी हुई है, दाढ़ी रखी हुई है और सामने पंजाब पुलिस का एक डीएसपी बैठा हुआ है, जिसको कोई लेना देना नहीं, वो गाने सुनता है लेकिन उन्होंने शक्ल नहीं देखी हुई। तू ही रे, तू ही रे,
तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। शुक्रिया। सामने डीएसपी बोल रहा है अपने कांस्टेबल को, ये कौन है भाई साहब? कहता सर ये हरिहरन साहब है। नहीं हरि कौन? ये हरिहरन साहब है। ये चीर हरन तो सुना, हरिहरन कौन हुआ? हरिहरन साहब को किसी ने कहा कि आप मुन्नी शीला टाइप क्यों नहीं सुनाते, कि ये सुनाइए। अब डीएसपी साहब सुनना चाहते हैं। हरिहरन साहब कहते कि मैं तो ये गाने गाता नहीं भाई, मेरा ये फोटे नहीं और ना मैं गाना चाहता हूँ। वो पुलिस वाले रिस्पेक्ट बहुत देते हैं, उन्होंने पिस्तौल निकाला, कहते साहब को गाना तो पड़ेगा। अब हरिहरन साहब क्या कर रहे हैं? मुन्नी रे मुन्नी रे देरी कहाँ गई चुन्नी रे, आचरे आचरे आके दे जा जरा चुम्मी रे। सबसे लास्ट में अनूप जलोटा साहब, मुझे लगता था कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जलोटा साहब को कहो, उनको जानते होंगे भगवान शायद, क्योंकि इन्होंने इतने भजन गाए। अनूप जलोटा साहब कहीं पे तो भजन गा रहे थे, उनका स्टाइल कैसा है आपको बताइए। है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। अब विद ड्यू रिस्पेक्ट अगर अनूप जी इस तरीके का गाना गाए। है मुन्नी वो है मुन्नी वो जो जंडू भाम का लेपन किया करे, शीला वो है जो जवान हो के भी अकेली जिया करे, शीला मुन्नी से नहीं शोभा है डांस की, है डांस जिसमें टांगों का प्रदर्शन किया करे। ला 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 ला। ला 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 बढ़ाइए। तू मेरी फैंटासी, तू मेरी फैंटासी, तू मेरी फैंटासी, मेरी फैंटासी अब जवा हो गई। मैं चाहूंगा कि इन सब लेजेंड्स के लिए एक बार जोरदार तालियां। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं। थैंक यू सो मच।